गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और विंटर फ्लावरिंग के साथ विंटर में उगने वाली कुछ वेजिटेबल को ग्रो करने का भी टाइम आ चुका है। तो कुछ ऐसी वेजिटेबल हैं जो आप विंटर में ग्रो कर सकते हैं, जैसे पालक है, बैंगन है, मूली, गाजर, टमाटर, शलगम, चुकंदर, इन सारी वेजिटेबल्स को आप ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप जो है पालक को कैसे ग्रो कर सकते हैं। और पालक बहुत ही आसानी से उगने वाली सब्जी है और आपको पता है कि पालक में आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये पालक के बीज है और ये बीज आपको बहुत ही आसानी से जो है किसी भी बीज की दुकान पे मिल जाएंगे। सीड शॉप पे इजीली अवेलेबल होते हैं और ये पैकेट जो है वो मैंने 10 रुपीज़ का परचेज़ किया है। मैंने कहाँ से परचेज़ किया है ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये जो बीज हैं वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इस बीजों को पैकेट से निकाल लूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पालक के बीज हैं, ये देखिए, और अब मैं इनको ग्रो करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने मिट्टी पहले से तैयार की हुई है। ये गमला है और गमले में अगर आप मिट्टी को तैयार करना चाहते हैं तो इसके अंदर एक हिस्सा गार्डन सोइल मिला लीजिए, एक हिस्सा सैंड मिला दीजिए और एक हिस्सा कंपोस्ट मिला लीजिए या कोई भी गोबर की खाद आप उसमें मिला सकते हो। और ये बहुत ही सही टाइम है पालक को ग्रो करने का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बीज है, आप क्या करें, थोड़े थोड़े गैप पे इनको ऐसे, वैसे तो बहुत ज़्यादा सीड मत ले और थोड़ा थोड़ा गैप रखें। वैसे सीड काफ़ी एक एक ग्रो करना तो पॉसिबल नहीं है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे ही आप डाल दीजिए और बाद में मैं इसमें से पौधा निकाल लूँगा। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जितने भी बीज हैं मैंने इन सबको जो है इस गमले के अंदर स्प्रिंकल कर दिया है और अब मैं इसको जो है बहुत ही एक से आधे इंच की लेयर की मिट्टी से जो है वो कवर करने वाला हूं और उसके बाद मैं इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, मतलब ये बीज पूरी तरह से ढक जाने चाहिए। अगर आप इनको ढकेंगे नहीं तो जो बर्ड्स वगैरह हैं वो इनको ले जाएंगे। और बहुत ज़्यादा डीप भी मत करिएगा कि स्प्राउटिंग होने में आपको टाइम लग जाए। तो बस आप इसको ढक दीजिए, बस दिखाई ना दे, इस तरह से सोइल से आप इसको जो है ढक दीजिएगा पूरे गमले में। और उसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो पानी डाल दीजिएगा ताकि ये मॉइस्ट रहे। तो 3 से 4 दिन के अंदर जो आपकी स्प्राउटिंग है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जो सीड्स हैं उनको कवर कर दिया है और उसके ऊपर जो है पानी डाल दिया है, जो सोइल है वो पूरी तरह से मॉइस्ट हो चुकी है। तो अब हम वेट करते हैं, देखते हैं कि कितने दिन के अंदर ये जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अपनी अपडेट में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3-4 दिन के बाद जो आपका पालक है वो ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पालक ही है, ये शीट्स मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, यही शीट्स हैं जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये पालक जो है उगना शुरू हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 वीक के बाद जो आपका पालक है वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ये देखिए, मैंने गैप बना के रखा था जिसकी वजह से ये गैप है। और गैप बना के आप रखिए क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है ना, तो गैप रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्लोज ना हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर क्लोज रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, मोस्टली सभी जो सीड्स है वो मेरे ग्रो हो चुके हैं और बीच में कुछ घास वगैरह आ गई है। तो इस घास को मैं निकाल दूंगा। घास को निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, न्यूट्रिशन को सक कर लेती है हमारे पालक के। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 1 वीक के अंदर जो है हमारा पालक कुछ ऐसा बड़ा हो जाएगा और बिल्कुल दिखाई देने लगेगा कि ये बिल्कुल पालक की तरह ही दिखाई दे रहा है आपको।
तो फ्रेंड्स ये है 20 दिन के बाद का नज़ारा। 20 से 25 दिन के बाद जो आपका पालक है वो कुछ इस तरह से ग्रो हो जाएगा आपके गमले में। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा और हेल्थी पालक जो है वो ग्रो हुआ है, और गैप भी काफ़ी अच्छा है इसके बीच में। आप देख सकते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, जैसा आपने ऐसा लग रहा है कि आपने सोइल के अंदर ही इसको उगाया हो, मिट्टी में गमले में ना उगाया हो। तो आप देख सकते हैं कि कितना हेल्थी जो पालक है हमारा ग्रो हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी जो है पालक को उगाइए, और हेल्थी और ऑर्गेनिक वेजिटेबल का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप और कौन कौन सी वेजिटेबल जो है वो ग्रो करना चाहते हैं। तो हम सब विंटर में उगने वाली सभी वेजिटेबल को ग्रो करने वाले हैं, और उन सब का अपडेट जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स माय क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।